हेलो फूडीज, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। जय माता की। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और अगर मैं कहूँ कि व्रत में भी मसाला डोसा खा सकते हैं तो क्या बात है। ये बनाते हैं व्रत वाला मसाला डोसा। सबसे पहले हम एक ग्राइंडिंग जार में लेंगे 1 कप समक राइस, 1/4 कप साबुदाना। इसको ग्राइंड करके हम एक फाइन पाउडर बना लेंगे। देन ऐड 1/4 कप कर्ड, 1 कप वाटर एंड ग्राइंड इट टू मेक अ स्मूथ पेस्ट। अब बैटर को हम 2 आवर्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक बैटर हमारा रेस्ट कर रहा है तब तक हम व्रत वाली चटनी बना लेते हैं। ये व्रत वाली चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, लेट्स प्रिपेयर आलू का मसाला। एक पैन में हम लेंगे देसी घी, उसमें डालेंगे जीरा, बारीक कटी अदरक, हरी मिर्च, 3 उबले हुए आलू, रोस्टेड जीरा पाउडर, सेंधा नमक एंड ब्लैक पेपर पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स करके हम 2-3 मिनट तक भून लेंगे एंड देन ऐड फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। अब बैटर को रेस्ट करते हुए 2 आवर्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सेंधा नमक और हम इसके डोसा बन। अब पैन पे लगाएंगे हम देसी घी और थोड़ा सा पानी छिड़क के हम बैटर को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। जैसे ही डोसा हमारा सिकने लगेगा हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा देसी घी एंड देन प्रिपेयर्ड आलू का मसाला। डोसा हमारा सिक के अच्छे से क्रिस्प हो चुका है, तो लीजिए तैयार है हमारा व्रत वाला मसाला डोसा। एंड बिलीव मी, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। सो दिस नवरात्रि डू ट्राई दिस अमेजिंग क्विक एंड ईजी व्रत वाला मसाला डोसा। फॉलो कोकोस चिटकारा। बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।